हेलो डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे, राम राम। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसडी करियर पर। आज प्यारे बच्चों, मैं आपको मिलाने जा रहा हूं अपने एक ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने बड़ी मेहनत के बाद और बड़े पेशेंस से और धैर्य से और बड़े समय लगा, लेकिन उस समय को वेस्ट ना करके यूटिलाइज करके और लगातार मेहनत करके सिलेक्शन लेकर दिखाया है। मतलब इतने धैर्य से काम लिया है कि बहुत सारे एग्जाम, जैसे एक लंबे समय में जब सिलेक्शन होता है, धीरे धीरे अगर एक दो टाइम्स हम अटेम्प्ट करते हैं, फिर हम एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं और अगर फेल होते हैं तो कभी कभी स्टूडेंट बीच में ही हार कर बैठ जाते हैं कि हमारा कुछ नहीं होता। और अगर कुछ हार कर नहीं बैठते तो उनको जो साइड वाले होते हैं ना, आपके जो आपके ज़्यादा जिनको आप बहुत अच्छा दोस्त समझते हैं, या साइड में कहीं भी ऐसे लोग होते हैं, हमारे माहौल में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करने का काम करते हैं, तो ऐसे लोग उनको बैठा देते हैं। लेकिन विष्णु ने लगातार मेहनत की और ये बैठा नहीं, लगातार अपनी तैयारी करता ही रहा करता रहा। देखो, अगर हमें सफलता की ओर जाना है तो भाई एक दो बार असफल भी होना पड़ता है, फेलियर का भी सामना करना पड़ता है। अगर आप परिस्थितियों का सामना नहीं करोगे तो कभी भी आप जीवन में ऊँचे नहीं जा सकते। अगर जीवन में ऊँचाइयों को छूना है तो आपको गहराइयों का भी सामना करना पड़ेगा, तो वही सेम इसने किया। विष्णु पवार नाम है इस स्टूडेंट का, मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने बहुत एसटी कराई है। जब स्पीड टेस्ट में आता था विष्णु पवार ही नाम बोलता था। क्यों? क्योंकि ये टॉप थ्री में तो ऑलवेज आना ही आना फिक्स है, नहीं तो पहले नंबर पे ही ज़्यादातर आता था। स्पीड टेस्ट जो हम कंडक्ट कराते थे हर सैटरडे को, संडे को, हमारे जो एसडी कैंपस जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है उसमें स्पीड टेस्ट होता था, तो उसमें पहले या दूसरे नंबर पर इसका नाम जरूर रहता था, विष्णु पवार, और हर बच्चा इसके नाम को जानता था। लेकिन एग्जाम में जाके कई बार असफलताओं का सामना किया और आज आपके सामने देखो यहाँ पर बैठा हुआ है और सफल होकर बैठा है। अभी अपने बारे में बताएगा कौन सी पोस्ट है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम आपको मिलाते हैं बेटा कैसे कैसे इन्होंने तैयारी की है और कैसे कैसे चीज़ों को संभाला है और कैसे कैसे इतनी असफलताओं के बाद जो है असफलताओं को सीढ़ियाँ बनाकर चढ़ चढ़ के सफलताओं में बदला है, वो सारा रहस्य इनके पास है। ये आपको सारे रहस्य बताएंगे आज कि अगर आप असफल होते हो फिर भी आपको थककर नहीं बैठना चाहिए, चाहे टाइम थोड़ा लग सकता है, लेकिन आपका अगर आपका जो है ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो सिलेक्शन पक्का होना ही होना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलो मिलते हैं विष्णु से, बताएगा अपने बारे में। और बाकी मैं सबसे पहले विष्णु से पूछूंगा कि जो इसकी तैयारी जो रही, जो तैयारी की, उस तैयारी में कहाँ कहाँ से ज़्यादा हेल्प मिली और कहाँ से क्या क्या चीज़ें सीखी, असफलताओं से क्या सीखा और कैसे कैसे जो है इनका करियर रहा, ये अपने बारे में पहले कुछ बच्चों को बताएं, उसके बाद में थोड़ा सा बुक्स के बारे में और आपको जो आपका स्टडी मटेरियल है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो विष्णु। एचडी कैंपस की सभी फैमिली को मेरी तरफ से राम राम। मेरा नाम विष्णु पवार है, मैं माट मथुरा से बिलोंग करता हूँ। मैं सर का स्टूडेंट रहा हूँ। 2017 में मैंने तैयारी शुरू करी थी। 2017 में सीजीएल मेंस था मेरा, पहली बार प्री निकला था। तो अभी मेरे को मैथ की ज़रूरत थी सबसे ज़्यादा, उसमें मैथ और इंग्लिश ही मेन होता है मेंस के लिए, तो मुझे मैथ की ज़रूरत थी। तो मैंने अपने फ्रेंड को, सभी को पूछा कि कौन बेहतर रहेगा आगरा में रह के। तो एक मेरे फ्रेंड हैं, आज वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, विशेष प्रताप सिंह, उन्होंने धर्मेंद्र सर का नाम सजेस्ट किया। तो मैं इनके पास आया और मैंने यहाँ देखा तो जैसा उन्होंने बताया उससे मुझे बेहतर क्वालिटी इनमें मिली और मैं पहली बार में सफल तो नहीं हो पाया लेकिन सफलता के बहुत करीब पहुंच गया। तो ये बहुत बढ़िया जो है, यहाँ पर जो ऐसे दोस्त भी लाइफ में होने चाहिए जैसे इन्होंने बताया। आज इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर है, वो भी अगर आता है कभी, देखो वैसे बोल तो रखा है मैंने, कई बार कॉल्स आते हैं, बात भी होती है, तो अगर कभी अगर वो आता है तो उससे भी आपको मिलाएंगे बेटा। वो जो है इंस्पेक्टर है आज की डेट में। और हमारा जो ये विष्णु है, ये अभी यहाँ पर जो रेलवे में जॉब है इसका, एनटीपीसी में, अच्छी पोस्ट पर है। और बाकी जो एसएससी सीजीएल के भी बहुत सारे अटेम्प्ट इन्होंने ट्राई किए, वहाँ पर कुछ ना कुछ छोटी मोटी वजहों से, मतलब एक दो नंबर से, कैसे भी इनको असफलता का सामना करना। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई असफलताओं से ही सफलता की तरफ हम बढ़ते हैं, तो बहुत सारी असफलताओं के बाद, बहुत सारे स्ट्रगल के बाद और सब चीज़ को मात देकर इन्होंने जो है सिलेक्शन लेकर दिखाया। बाकी जो देखो लोगों साइड साइड की बातें जो है करते हैं, आपको डिमोटिवेट करने की बातें करते हो, देखो कैसी कैसी बातें करते हैं, देखो विष्णु बताएगा आपको कि कैसी बातें करते हैं। तो पंडित जी क्या कहते थे, विष्णु बताओ जरा बच्चों को। जब एक टाइम हो जाता है जब सिलेक्शन नहीं हो पाता तो घर वाले भी बेचैन रहते हैं, तो वो पूछने लग जाते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि हर बार लास्ट में जाके रह रहा है।
कि हर बार प्री निकल रहा है, मेंस निकल रहा है, पेपर टायर थर्ड दे रहा है, डीवी तक जा रहा है, फिर भी फाइनल में रह जा रहा है, तो उनके मन में भी डाउट आता है कहीं ना कहीं ऐसा कोई चक्कर तो नहीं है क्या है, तो वो पंडित जी को दिखाने लग जाते हैं। गाँव का माहौल ऐसा रहता है, तो उन्होंने एक को दिखाया। अब मैं मानता नहीं, चीज़ों को विश्वास नहीं करता फिर भी, लेकिन घर वालों को अगर उनके सामने वो बोलते हैं तो उनको मना नहीं कर सकते। तो मैंने उन्हें हाथ दिखाया, तो उन्होंने देखते ही बोला कि तुम्हारे हाथ में सरकारी नौकरी नहीं है, घर के काम में हाथ बटाओ। अब वो सुन के मैं तो डिमोटिवेट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि मेहनत एक दिन रंग लाएगी। ये मैंने पहले से भी सुन रखा था, कई स्टूडेंट की कहानी भी मैंने देखी थी, तो और मेरा इसी पर विश्वास था कि कहीं ना कहीं जाके मेरा सिलेक्शन अंत में होना है अगर मैं लगातार मेहनत करूँगा। और वही आखिर में हुआ, मैं अपनी मेहनत पर लगा रहा और आखिर में मुझे सफलता मिली। आज मैं सीनियर CCTC के पद पर आगरा कैंट पर तैनात हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, ऐसे जो आपके बाबा होते हैं, जैसे देखो ईमान हर जगह वो कहते हैं ना, नकली और असली की पहचान आपको आनी चाहिए। तो हम किसी पर कोई भी पॉइंट तो नहीं उठाएंगे, लेकिन हाँ, लेकिन नकलियों से बेटा आपको बच के चलना है। जैसे कि देखो बताओ स्टूडेंट का एक का क्या हाल हुआ। आप खुद सोचिए कि आपसे कोई कह दे कि सरकारी नौकरी की आप तैयारी करो और ये कह दे कि रेखा नहीं है, बताओ, तो कितनी बड़ी बात जो है, गलत बात एक स्टूडेंट के लिए। फिर भी चलो समझदार बच्चा होता है, पढ़ा लिखा होता है, तो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। लेकिन हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो केवल इसी वजह से अपना रास्ता भटक जाते हैं, वो सरकारी नौकरी की तैयारी करना ही छोड़ देते हैं छोटी सी बातों से, कि किसी ने भी आके उनसे बोल दिया उसने कि भाई आपके हाथ में रेखा नहीं है। तो बच्चे इस बात का ध्यान रखो बेटा, ऐसी चीज़ों पर ध्यान मत दिया करो, केवल अपनी मेहनत पर और अपने विश्वास पर भरोसा रखो। जैसे बताया विष्णु ने, लगातार वो उसे अपनी ईमानदारी पर मेहनत पर भरोसा था, मेहनत करता रहा, सिलेक्शन हो गया, चाहे कोई भी साइड में कोई कुछ भी कहता है। उसके अलावा जो भी कहने वाले हैं वो सब पलट भी जाते हैं बड़ी जल्दी। विष्णु ने मुझे बताया अभी थोड़ी देर पहले कि सर जो ऐसे ऐसे बोलते थे लोग, और बाद में पता नहीं उनका ये हो गया कि भाई हमें तो तेरी चिंता थी, तेरा सिलेक्शन बहुत अच्छा हो गया, और पहले ये कहते थे कि इसकी नौकरी कभी नहीं लगनी है। तो ऐसा होता है, उन लोगों से बचा, साइड की जो चीजें हैं उनसे बच के निकलना है, डिस्ट्रक्शन से आपको बचना है। केवल आपको कड़ी मेहनत और सफलता जो है केवल कड़ी मेहनत से ही मिलेगी बेटा। हर चीज का सार निकल के एक ही जगह आ जाता है, चाहे हम कितना भी कुछ भी करें, लेकिन आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और बच्चा मेहनत से ही भागने का प्रयास करता है, जहां से सिलेक्शन होगा वहीं से भागने की प्रयास करता है, और इधर उधर की चीजों में दिमाग लगाने का प्रयास करता है। बस वहां से इधर इधर की चीजों से दिमाग को हटाकर बाबाओं से ना पूछ के अपने आप से कभी आत्मचिंतन करके अपने दिल से भी तो पूछिए कि आखिर आप क्या चाहते हैं, और जो चाहते हैं उसके लिए क्या करना है और कैसे आपको सफल होना है। तो इस चीजों पर ध्यान लगाना है, किसी की बातों को नहीं सुनना। बाकी जो है आप बच्चों को, विष्णु ये बताओ कौन-कौन सी बुक्स आप जो है हेल्प मिली, जिनसे आपको हेल्प मिली हो, या बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए। SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, CHSL की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आजकल बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हो गए, इतने सारे कंटेंट हो गए, तो बच्चा बहुत कंफ्यूज है। क्या करना चाहिए आखिर बच्चे को, जिससे वो कम समय में और कम कंटेंट में ज्यादा कुछ अच्छा कर पाए। एक किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए बेसिक चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, कि बेसिक जो हमारी है वो क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले। उसके लिए आपको एक ऑफलाइन बैच की ज़रूरत रहती है, या ऑनलाइन बैच आजकल उपलब्ध हैं, पहले उपलब्ध नहीं थे, लेकिन मैंने जब देखा यहाँ पे, तो एक HD कैंपस नाम से मैंने बहुत सुना था कि HD कैंपस का नाम है, यहाँ से बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं, तो मैंने यहीं से अपना करियर शुरू किया और यहाँ पे मैंने अपनी एक तैयारी शुरू करी CGL की। तो यहाँ से CGL की तैयारी शुरू करी, लास्ट में जाके मेरा CGL, CHSL और आपका MTS हवलदार में तीनों में सिलेक्शन हो गया, और NTPC में मुझे सबसे नज़दीक यही मिला। CHSL 2020 में मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे महाराष्ट्र मिला था, PA कैडेटर मिला था मुझे। उसके बाद में CHSL 2021 में मेरा DU क्वालिफाई हुआ था DU के लिए, लेकिन मुझे आगरा मिला, इसलिए मैंने यही चुना सीनियर CCTC। NTPC 2019 से मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो बाकी एक टाइम पर जाके आपके सिलेक्शन, अगर लगातार आप मेहनत करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपके सिलेक्शनों की लगातार बाढ़ आ जाती है। कभी कभी एक भी नहीं होगा और एकदम जब लगातार लगे रहते हैं एकदम बाढ़ आ जाती है सिलेक्शन की, फिर तुम्हें चुनना होता है किस में जाना है। एक समय ऐसा भी आता है, लगातार मेहनत करने से ही ऐसा होता है, अगर बीच में आप टूट गए, कुछ भी हुआ, आपको संभालना पड़ेगा हर बार। ऐसा मेरे साथ भी हुआ कई बार, मुझे बीच में ऐसा लगा कि अब क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन लास्ट टाइम तक मैं लगा रहा, धर्मेंद्र सर को बीच बीच में गाइड करता रहा, गाइड करते रहे मुझे, मैं इनसे गाइडेंस लेता रहा। इन्होंने कहा कि मेहनत कर, तेरा सिलेक्शन अवश्य होगा, तो वही हुआ, मैं उसी पर लगातार काम करता रहा अपनी तरफ से। तो देखो प्यारे बच्चों, यही जो है मेन चीज़ है, आपको केवल कंटेंट ज़्यादा जो है हाई तोबा नहीं करना, केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है, प्रीवियस ईयर लगाना है, और बाकी जो है मेहनत जो है आपको लगातार करती रहनी है, बीच में अपनी तैयारी को रोकना नहीं है। यही मूल जो है आपके सक्सेस के, सफलता के मंत्र हैं, और इन्हीं को आप बार 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 जपते रहो, मेहनत मेहनत, हार्डवर्क हार्डवर्क। जब कभी भी आप सो रहे हो तो वो भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई हम थोड़ा सा
इस टाइम अगर पढ़ लें तो थोड़ा सा कंपटीशन में आगे बढ़ जाएंगे, और कंपटीशन का क्षेत्र है रेस है भाई, रेस में दौड़ोगे नहीं तो पीछे रह जाओगे, सीधी सी बात है। यही सीधा सीधा कंसेप्ट जो है सिलेक्शन के लिए काम करता है। विष्णु ने बहुत सारा स्ट्रगल किया है, मैंने देखा इसका स्ट्रगल, इतने सारे स्टूडेंट इसके साथ पढ़ते थे, कोई सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर हो गया, कोई कहीं लग गया, और ये अकेला बेचारा मेहनत लगातार करता रहा। और दो तीन साल जब देखो एक्चुअली क्या होता है कि दोस्त हमारा लगता है तो खुशी होती है इस बात का, ये चीज नहीं है कि हमें दुख हो रहा है, लेकिन दोस्त लगता है तो कहीं ना कहीं फिर हमें ये भी लगता है कि भाई हमारा क्यों नहीं हो रहा, थोड़ा सा दुख अपने लिए होता है। तो उसके लिए उन सब चीजों को संभालना, मैनेज करना, और फिर इंतजार करना, पेशेंस रखना, और सारी चीजें मैनेज करके सिलेक्शन लेना, इस बिग डील जो विष्णु ने करके दिखाया। तो सही बच्चे आप सभी भी बेटा इस चीज को ध्यान रखो कि अगर आप एक दो एग्जाम में चार पांच एग्जाम में असफल होते हो कोई टेंशन मत लो, बस आपकी सफलता इंतजार कर रही है, आप बस जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को और ईमानदारी से मेहनत लगातार करते रहो। क्योंकि देखो अगर आप पीछे लौटोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, आपको रास्ता फिर से उतना ही जो है चलना पड़ेगा। भाई आप मान के चलो हाफ पे तो कम से कम आ ही जाता है, जब स्टूडेंट तैयारी करता है सिलेबस कंप्लीट करता है तो हाफ से 75% या अबव आता है, तो अगर वो वहां छोड़ेगा भी तो पीछे जाने के लिए भी तो कितना रास्ता तय करना है ना, इससे अच्छा आगे चल लो और सीधा सिलेक्शन ही ले लो। तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सारी चीजें, इन चीजों का ध्यान रखिए। बाकी और भी हमारे अनुभवी जो बच्चे हैं जो कहीं सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर हैं या कहीं कहीं अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं, या जो भी बच्चे आते रहेंगे आपको हम ऐसे ही इंटरव्यू और उनसे कुछ ज्ञान, देखो भाई ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, कहाँ से क्या हमें सीखने को मिल जाए, तो हम इसीलिए आपके लिए और हमारे जो स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं उनको लगातार बुलाते रहेंगे और उनसे कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।